हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके कैपरी गेम्स के। अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले। एक्स परचेस्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन 4th January 1998 फॉर ₹50,000। दिस लैंड वॉज सोल्ड बाई हिम ऑन 2nd September 1919 फॉर 14 lakh। मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन 1st April 2001 वॉज 1,20,000। एक्सपेंसिज ऑन ट्रांसफर वर 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। कंप्यूट कैपिटल गेन्स। चलो स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। अच्छा, कैपिटल गेन्स की स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मुझे बताओ ये लैंड बेचा कितने का था? 14 lakh का। माइनस अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करेगा कि असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। पहले बताओ खरीदा कब था? 4th January 1998 को खरीदा था, मतलब 1997-98 में खरीदा था और 1920 में जाके बेचा है। तो लैंड का केस है ना, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 months देखते हो, अगर 24 months से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, तो काफी ज्यादा है। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अच्छा याद करो, मैंने आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का ना कल फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अच्छा पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताओगे ये लैंड है कितने रुपए का खरीदा था? 50,000 का। लेकिन 1st April 2001 से पहले खरीदा है, तो इस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001, दोनों में से जो भी हायर है, तो फेयर मार्केट वैल्यू हायर आ रही है 1,20,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बताओगे लैंड कौन से ईयर में बेचा है? 1920 में बेचा है ना। और सबसे लास्ट पेज पे देखो, सबसे लास्ट पेज पे मैंने 1920 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है 289 डिवाइड बाय, सुनना आप, डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। अच्छा एक्वायर कौन से साल में करी थी? 97-98 में एक्वायर करी थी। लास्ट पेज पे आओ, मुझे बताओ 97-98 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? नोटिस करो, 97-98 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि पता है जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपको कौन से ईयर से दे रखे हैं? 2001-2002 से। तो इस केस में हम 97-98 का नहीं है तो हम 2001-2002 का लेंगे 100, ठीक है। तो 1,20,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 100, 346,800। अच्छा और आता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। फिलहाल इंप्रूवमेंट का कोई केस नहीं है। और क्या माइनस होता है? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, बताना कितने थे? 2% ऑफ सेल प्राइस, 14 lakh का 2%, 14 lakh का 2%, 28,000 बस। ये आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ₹10,25,200 कौन सा कैपिटल गेन आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, पढ़ना जरा क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल बी योर आंसर इफ द लैंड वॉज परचेस्ड बाय एक्स ऑन 1st April 2008 फॉर 1,50,000। यानी पूरा क्वेश्चन सेम है,
बस उसने कहा अज्यूम करो उसने लैंड 97-98 में नहीं, 2008-2009 में खरीदा है। चलो बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन्स। सबसे पहले क्या आता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का बेचा था, 14 लाख का, उसमें कोई चेंज नहीं है, माइनस। अच्छा फिर से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो डिपेंड करता है कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। तो मुझे बताओ इस वाले केस में 2008-09 में खरीदा है और 1920 में बेचा, तो 24 मंथ से ज्यादा है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 1,50,000 इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920 का 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 89 का दे रखा था आपको 137, तो 1,50,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 137 ये आ जाएगा 316,423। और क्या माइनस होगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, उसमें तो कोई चेंज नहीं है, 28,000। तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 14 लाख माइनस 316,423 माइनस 28,000 10,55,577। ये आपका बताओ क्या आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो सब मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखो, एक्स एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर 2-3 फॉर 5 लाख and paid rupees 18,000 as registration charges. X died on 15 September 13 and property was transferred to his son Y through inheritance. Yaad rakhna, inheritance ka case hai. To deemed cost of acquisition section 49 subsection 1 apply karega. Market value of the property as on 15 September 13 is 10 lakh. Why sold this property on 31st May 19 for 55 lakh? Compute capital gains for assessment year 2021. Chalo, statement banao. Statement showing capital gains. Acha, mujhe pehle batao, is question mein, pehle property X se transfer hui Y ke paas through inheritance aur phir Y ne ye buyer ko sale kari hai 31 मई 19 को। तो पहले मुझे बताओ ट्रांसफर बाय ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई थ्रू इनहेरिटेंस इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर और एक्स के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, लेकिन वाई ने जब ये प्रॉपर्टी बेची ना आगे तो सेल इज रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो वाई के हैंड्स में बताओ क्या अराइज करेगा कैपिटल गेन, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वाई ने बताना ये प्रॉपर्टी कितने की बेची, 55 लाख की, माइनस सुनो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो डिपेंड करता है कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इस केस में वाई की डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं देखनी है, इंस्टेड प्रीवियस ओनर की यानी एक्स की डेट ऑफ एक्विजिशन देखनी है, और एक्स ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी 2-3 में। तो ये बताओ खरीदी कब गई 2-3 में और बेची कब गई 1920 में, इसका मतलब लॉन्ग टर्म हो जाएगा तो आएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से, अच्छा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए पहले क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सुनो Y की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे देखा जाए तो जीरो है, क्यों,
क्योंकि उसे इनहेरिटेंस के थ्रू मिली है, खरीदी नहीं है। लेकिन मैंने कहा था सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 यहां पर अप्लाई करता है, और वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मतलब एक्स की। तो एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 5 लाख प्लस 18,000 उसने पे करे रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मतलब वाई एक्स को ये प्रॉपर्टी 5,18,000 रुपए की पड़ी। तो जो एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही वाई की क्या बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। 1920 में ट्रांसफर हुआ है 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, 23 में एक्वायर करी थी। अच्छा नीचे देखो आपको 23 का दे रखा है 105, 23 का आपको दे रखा है 105। तो अगर करें तो ये आता है 5,18,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 105, 14,25,733 आपकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पढ़ना कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वगैरह नहीं दे रखे, बस यही आ जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40,74,267। ये बताओ आपके क्या आ गए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ देखना। एक्स एक्वायर्ड अ लैंड इन 97-98 फॉर 2 लाख एंड गिफ्टेड इट टू हिज मेजर सन वाई ऑन 1 जून 2000 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 2,50,000। मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 3 लाख। वाई सोल्ड द लैंड ऑन 15 सितंबर 19 फॉर 40 लाख। कंप्यूट कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 अज्यूमिंग दैट एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर वर 1 लाख। चलो बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। अच्छा पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में भी पहले प्रॉपर्टी एक्स से ट्रांसफर हुई वाई के पास और फिर वाई ने आगे करी सेल, लेकिन ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। गिफ्ट का केस है, गिफ्ट को ट्रांसफर नहीं माना जाता और एक्स के हैंड्स में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, लेकिन वाई जब इस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो कैपिटल गेन अराइज करेगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने का बेचा गया, 40 लाख का, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो डिपेंड करता है कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। पहले मुझे बताओ इसमें किसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे, वाई की नहीं देखनी है, जो एक्स की कॉस्ट ऑफ जो एक्स की डेट ऑफ एक्विजिशन है वही वाई की डेट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, और एक्स की डेट ऑफ एक्विजिशन 97-98 है। तो मुझे बताओ 97-98 में खरीदा गया और 19-20 में बेचा गया तो 24 मंथ से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अच्छा अब फॉर्मूला, पहले आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैंने क्या कहा था वाई की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसके बराबर मानी जाएगी, जो भी एक्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, और क्योंकि एक्स ने ये प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर करी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्स की क्या बनेगी, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 3 लाख, दोनों में से जो भी हायर है 3 लाख, इंटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन था 97-98 का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 97-98 का सीआईआई तो है नहीं, तो 1-2 वाला ले लेना पहले वाला 100, 3 लाख, 3 लाख इंटू 289 डिवाइड बाय 100, 8,67,000। ठीक है। अच्छा और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आपको दे रखे हैं 1 लाख। चलो बस
30,33,000 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 30,33,000। अच्छा सेकंड पार्ट जरा मुझे बताना, व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन्स इफ द लैंड वॉज गिफ्टेड बाय एक्स टू हिज सन वाई ऑन 15 मई 2005। अच्छा मुझे बताओ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि एक्स ने वाई को लैंड कब गिफ्ट करा? अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था डेट ऑफ गिफ्ट, किस दिन गिफ्ट दिया गया है, किसको दिया गया है, सब कुछ इररिलेवेंट है। याद रखना, गिफ्ट की डेट तो हम देखते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन वो नहीं मानी जाती ना। वाई के लिए डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी मानी जाती है? जो एक्स की डेट ऑफ एक्विजिशन थी। तो याद रखना, बी पार्ट, बी पार्ट में क्या लिखोगे? सिंस डेट ऑफ गिफ्ट इज इररिलेवेंट, देयरफॉर आंसर वही रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी रुपीज 30,33,000। तो कैपिटल गेन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आपके क्या रहेंगे? वो आपके सेम रहेंगे। डेट ऑफ गिफ्ट तो टोटली इररिलेवेंट होती है। चल बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।